all that was related to the classification of fishes, but now this is the cladogram showing the evolution of fishes, and you are saying that there is subphylum Cephalochordata, and it includes class Myxini, class Petromyzontida, then infraphylum Vertebrata came. It is starting from Gnathostomes. Gnathostomes ka matlab kya hai? Jawed, jo members jawed hain, jiske andar Ostracoderm taxa hai, Placoderm hai, Chondrichthyes hain, Actinopterygii hai, ye Chondrichthyes Actinopterygii hai, uske baad class Sarcopterygii hai. तो ये लोब्ड फिन फिशेस हैं, और फिर इनसे क्लास सार्कोपटेरजी से एवोल्यूशन हुई है एम्फीबियंस की, क्योंकि फिश के बाद आप फ़ौरन से जंप कर देंगे एम्फीबियंस पे, जो कि टेट्रापोड्स हैं, जो फिन्स से बाद में चार लिम्स वाले ऑर्गेनिज्म जनरेट हुए हैं. सो दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ फिशेस इन देयर वेरियस फाइला क्लासेस इन इंफ्राफाइलास. तो ये जो करेक्टर्स हैं वो इस तरह से डिवेलप होते जा रहे हैं कि क्रैनिएटा में जब आप एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए ब्रेन की. इस तरह से जॉज आना शुरू हो गए, पेयर्ड अपेंडेजेस आ गए, फिर टीथ डिवेलप हुए, फिर लंग्स और स्विम ब्लैडर आ गए, टीथ पे एनामल आ गया, और एट द एंड फोर लिम्स जो हैं वो वाटर से टेरिस्टल एनवायरनमेंट में आने के लिए यूटिलाइज होंगे. तो आप अगर जितना कुछ भी आपने वर्टिब्रेटा से रिलेटेड पढ़ा है, अगर इसको आप एक समरी में कंक्लूजन में बंद करना चाहें, तो ये उसका कंक्लूजन है कि सबफाइलम क्रैनिएटा इंक्लूड्स टू सबफाइलास विच इंक्लूड्स हाइपरोट्रिटी and vertebrata. Hyperotrity is composed of hagfishes and it is not vertebrate, and vertebrata includes all other fishes, and these all other fishes are Petromyzontida, these are Chondrichthyes, these are Actinopterygii, these are Sarcopterygii, and the tetrapods. The craniate lineage dates back more than 500 million years ago. The oldest fossil showing evidence of the bone एंड बैक बोन अबाउट 5-10 million ईयर्स अगो. तो जितना कुछ भी आपने पढ़ा है, अगर आप इसको अच्छी तरह से माइंड में रख लें, तो आप फाइलोजेनेटिक जो एनालिसिस है फिशेस का या वर्टिब्रेट्स का या उनकी सक्सेस इन वाटर के लिए, आपको ये मोर देन इनफ होगा. ठीक है जी, थैंक यू.